तो गाइस कोरोना की जो थर्ड वेव है लगभग आ चुकी है, तो काफ़ी जल्दी सबका वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट होने वाला है। तो सभी लैपटॉप पे अपना काम करेंगे और लैपटॉप पे इतना काम किया जाएगा तो भाई ऑब्वियसली हीट तो करेगा ही, और हीटिंग के कारण हमें काफ़ी सारे लेग्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इसका एक सोल्यूशन लाया हूँ, दैट इज़ द कूलिंग पैड। और ये कूलिंग पैड भाई ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आता है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपके फायदे सारे यूज़ बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे ऋतिक रोशन भाई देखने को मिल जाते हैं। नीचे की ओर हमें हमारा मिलता है मेन गेमिंग पैड जो कि एक रैपर के अंदर मिलता है। इसे साइड रख से और मिलती है हमें टाइप ए टू ए केबल, जिसकी क्वालिटी भाई काफ़ी छोटी है और ठीक ठाक क्वालिटी डिसेंट सी। उसके अलावा फिर हमें इसे बाहर निकालते हैं हमारे मेन गेमिंग पैड को, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है हमारा मेन गेमिंग पैड। तो भाई ऐसे कहूँगा तो काफ़ी सही लगता है। ऊपर ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग दी हुई है। पीछे की साइड देखते हैं तो प्लास्टिक बिल्ड है पीछे की साइड तो पूरा। उसके अलावा आपको यहाँ पर दो क्लिप्स देखने को मिल जाएगी राइट साइड। ये दो क्लिप्स को अगर आप ओपन कर दो तो भाई आप इसकी हाइट थोड़ी सी एडजस्ट कर पाओगे। उसके नीचे आपको रबराइज्ड बिल्ड मिलती है, तो रबराइज्ड होने के कारण ये बिल्कुल भी ग्रिप इसकी कम नहीं होगी, फिसलेगा नहीं बेसिकली। उसके अलावा आगे से देखिए तो आगे आपको थोड़ा सा मेटल मिलता है ऊपर की साइड, और डायमंड कटआउट्स के थोड़ा सा शेप मिलता है। नीचे आपको आपके लैपटॉप को स्लाइड नहीं काफ़ी अच्छी ग्रिप दी हुई है, जिसके थ्रू आपका जो लैपटॉप है काफ़ी बढ़िया तरीके से टिका रहेगा इसके ऊपर और बिल्कुल फिसलेगा नहीं, और काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को ये गेमिंग पैड। अब देखो इस तरीके से आपको इसे यहाँ पर लगाना है। उसके अलावा आपको आपकी जो केबल है टाइप ए, एक आपको आपके लैपटॉप में कनेक्ट करनी है और दूसरी आप जैसे ही आपके गेमिंग पैड में जो आप कनेक्ट करोगे उसके बाद भाई आपको कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा। इसके बाद भाई इसमें एक ब्लू कलर के LED इंडिकेटर जलता है जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है, और दोनों फ़ैन बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। 250 mm के आपको फैंस देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आप काफ़ी सारे गेम्स इसमें खेल सकते हो। अगर आप गेम वगैरह खेलते हो तो भाई बिल्कुल हीट का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से आप गेमिंग कर पाओगे। गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आपके हीट के कारण जो लैग वाले इश्यूज़ है वो टोटली ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप भाई एडिटिंग वगैरह करते हो और एडिटिंग में या फिर आप कुछ भी काम करते हो तो आपको बिल्कुल दिक्कत, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती है इसमें से। गाइज ये जो कूलिंग पैड है मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हाँ सच में काफ़ी ज़्यादा कूल कर लेता है लैपटॉप को। अगर आपके लैपटॉप का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो आप इसका जो बड़ा वेरिएंट आता है जो कि 1000 तक जाता है, जिसमें 5 फैन आते हैं, वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। बट अगर आपके प्राइस सिर्फ 500 रुपये तक की है तो आप इसे डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। और आज की वीडियो मैंने आपको सारे स्पेसिफिकेशन बताए, आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए एक प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरीके के ग्रेट कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।